देवघर से बिलोंग करता हूँ। मेरा 15 तारीख को डीबी था, 8 बजे से शुरू था। मैंने 8 बजे आया और देखा कि थोड़ा सा डीबी में लेट है, 10 बजे से शुरुआत हुई। उसके बाद मैं अंदर गया और वहाँ जो जो प्रोसेस है वो हुई। तो क्या क्या प्रोसेस था भैया जी, जरा बताइए कि हाँ। अंदर जैसे गए तो अंदर में कितना टेबल था, पहले तो टेबल के लिए बताइए। हाँ। जी मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था जिनको टेबल बाय टेबल बांट दिया गया था, 60 टेबल में बांटा हुआ था। एक दिन में 400 कैंडिडेट को बुलाए थे। तो 400 कैंडिडेट को एक दिन में बुलाए थे। जी जी, जैसे कि आप लोग का 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम था और 9 बजे एंट्री मिला आपको। जी, तो एंट्री मिलने के बाद सबको 60-60 में डिवाइड कर दिया। हाँ। और जो टेबल था वहाँ पर, टेबल में जो भी ऑफिसर बैठे है तो वो जब डीबी कर रहे हैं तो डीबी के दौरान क्या क्या परेशानियां आ रही है, जैसे कि मान लीजिए किसी का डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ हो रहा है, हाँ। कोई नाम अपडेट नहीं हो पा रहा है, तो उसके रिगार्डिंग में क्या एक्स्ट्रा समय दे रहा है अभ्यर्थियों को? जी, उसके लिए समय दे रहा है किन्हीं को, जैसे कि 14 तारीख से मेडिकल शुरू था, 13 तारीख से शुरू था, तो उनका जो कुछ प्रॉब्लम था उनको चेयरमैन के पास भेज दिया गया था। चेयरमैन सर उनका शॉर्ट आउट कर दिया था 15 तारीख तक सबका। आज इनका प्रॉब्लम 15 तारीख को हुआ, उनका शॉर्ट आउट में भी समस्या थोड़ा सा नहीं हो पाया अभी जैसे तक। कि आपका एफिडेविट जो मांगा गया था, आप लगाए थे एफिडेविट? जी। तो किस कारण एफिडेविट लगाए थे बताइए तो सर। मेरा फॉर्म भरते समय गलती से हमको मालूम नहीं था नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर के बारे में डिफरेंस। हाँ। तो मैंने फॉर्म भरते समय क्रीमी लेयर भर दिया था। हाँ। जो कंसिडर किया जाता है जनरल के रूप में, जिनका इनकम फैमिली का 8 लाख से अबव हो, वो यूआर के अंतर्गत आता है। हाँ। क्रिमी लेयर में। हाँ। तो ये मेरा गलती था, वो मालूम नहीं था फॉर्म भरते समय। फिर मैंने उसका एक कोट एफिडेविट करवा लिया और लाया सर को, मैंने बोला कि सर मेरा इस तरह गलती है, सर शॉर्ट आउट कर दिया। बोले ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं है, कर देते तुमरा। तो एफिडेविट जो कराए थे नोटरी से करवाए थे कि मजिस्ट्रेट से करवाए थे? जी, 50 रुपया का स्टाम्प पेपर था और नोटरी का सिग्नेचर था उसमें। सर बोले एक बार कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कराता तो अच्छा होता। और बोले सर हमको मेरे भाई या फिर भाइयों से पता चला कि बोला 50 रुपया का स्टाम्प पेपर पे नोटरी का सिग्नेचर होने से काफी हो जाएगा। ओवरऑल ये प्रॉब्लम जो था, ये आपका प्रॉब्लम मतलब सॉल्व हो गया? हाँ, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम, मैंने सीधा बोल दिया सर मेरा एक प्रॉब्लम है छोटा सा कि मेरा, हाँ जी बोलिए, कि मेरा जो सर नॉन क्रीमी लेयर जहाँ होता है, हमने क्रीमी लेयर गलती से फिलअप कर दिया, वो मेरा मैंने तो वहाँ से मतलब पूरा कोऑपरेट दे रहे हैं साहब लोग कि आप लोग जो भी है। हाँ, आपको किसी प्रकार की कोई गलती है कागजात में तो उसका आप कोर्ट एफिडेविट करवा के ले आइए, वो शॉर्ट आउट हो जाएगा। मतलब फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से जरूरत नहीं है, अगर होगा तो करवा लीजिएगा। हाँ, यदि आप नोटरी भी करा के आप ला सकते हैं। हाँ जी, यदि आप हैं, समय है आपके पास, मजिस्ट्रेट के पास करा सकते हैं तो करा लीजिए, उससे और बेहतर होगा, नहीं तो नोटरी के पास करा लेने से कोई दिक्कत नहीं है। वैसे जिनके पास सीबीटी का जो एडमिट कार्ड नहीं है उनके लिए क्या किया जा रहा था वहाँ पे अंदर में? जिनका सीबीटी का, मान लीजिए सीबीटी या पीईटी का जो काउंटर फाइल होता है, अगर उनके पास मिस हो गया या फिर उनके पास नहीं है, किसी का गुम हो गया, तो उसमें क्या एसईआर जो है भाई, इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है? चेयरपर्सन के पास भेज दिया था उनको कि आपका क्या हुआ, कैसे खो गया, तो उसके बारे में सुनने में आया, कुछ कंप्लेन वगैरह करने के लिए बोला गया था। उसके बाद आप आगे की प्रक्रिया शुरू है, जो ऑफिस में है जो भी प्रक्रिया है, यहाँ से ऑफिस में आके आप संपर्क करके शॉर्ट आउट कर सकते हैं, इस पर कोई दिक्कत नहीं है कि आपका जी। अच्छा, मेडिकल आपका हो गया? नहीं, मेडिकल नहीं है। अच्छा, डीबी होने के बाद जो मेडिकल है उसका क्या प्रोसीजर है? मेडिकल के लिए कहाँ से चालान लेना पड़ेगा और मेडिकल के लिए कहाँ कहाँ भेज रहे हैं? डीबी होने के बाद आपको 24 रुपये का चालान कटाना है जी, वो आपको बैंक में आके वहाँ जमा करके पैसा देना होता है। उसके बाद वहाँ से आप वो चालान लेके लाइन लगना होता है, लाइन बहुत जो कि बहुत लंबा था। आज लाइन लगने के बाद अंदर गया सर, उसके बाद वहाँ रिक्वेस्ट किए सर से कि सर मेरे यहाँ कुछ सुविधा होगा खड़गपुर में, सर यहीं डीबी दे देते तो अच्छा होता मेरे लिए, जाने आने में कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि तो सर मान गए, और मेडिकल के लिए आप कहीं भी, जैसे 7 जगह दिया गया है, चकरदरपुर, आगरा, खड़गपुर, गांधी ब्रिज, बंडा मुंडा, ये सब आदि जगह जो है, यहाँ पर आप लोगों को अगर प्रॉब्लम हो रहा तो कहीं भी आप ले सकते हैं। हाँ, आदि उनके पास मेडिकल के लिए सब जगह के लिए सीट है कि कहाँ कितना मेडिकल है, आदि उनके पास सीट अवेलेबल रहेगा उस मेडिकल से, हॉस्पिटल से, तो आपको वहाँ जरूर दे दिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। अच्छा, और एक चीज पूछे थे कि डीबी का बहुत सारे अभ्यर्थी बता रहे हैं कट मार्क को लेके जो भी प्रॉब्लम है, खैर आपका तो अभी मेडिकल नहीं हुआ है, डीबी की बात ही ज्यादा करेंगे। तो डीबी में जैसे मान लीजिए किसी का ओबीसी सर्टिफिकेट में किसी का नाम गलती हो जा रहा है, या फिर जो ओबीसी सर्टिफिकेट, आप किस कैटेगरी से हैं?
हम ओबीसी से आते हैं, नॉन क्रिमिनल। मान लीजिए ओबीसी में आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट था आपके पास, ओबीसी में ओबीसी का अपडेट डॉक्यूमेंट था आपके पास? देखिए जाति आवासीय आय मैंने वो एसडीओ लेवल तक बनवाया था, उसके बेसिस पे मेरा रेलवे का जो ऑफलाइन था फॉर्म एनसीएल का वो बनाया एसडीओ लेवल था, उसका सिग्नेचर था वहाँ, तो वो चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। और उसका दो दो कॉपी भी लगता है, दो एक्स्ट्रा जेरोक्स कॉपी जो है उसको जरूर करके लाइएगा आप लोग, ताकि यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। जी दिक्कत, यहाँ पर आसपास जैसे कि देख रहे हैं हम लोग कि ज्यादा कुछ सुविधाएं नहीं है जेरोक्स वगैरह लेकर, तो जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो खुद से ज्यादा घर से ही करके लाएंगे, दो चार चार कॉपी तो ज्यादा सुविधा रहेगी। हाँ, दो कॉपी करके मांगा गया, यदि आप एक्स्ट्रा ला सकते हैं तो फिर अधिक इधर उधर कहीं हो जाए तो फिर आपको। तो ओबीसी में टोटल मतलब कितना सर्टिफिकेट देना पड़ा? एक तो 2019 में जैसे भरे थे मैंने सब दे दिया, मेरा जो बना हुआ था जाति आवासीय आय ओबीसी ऑफलाइन फॉर्मेट ऑनलाइन फॉर्मेट मैंने सब दे दिया, एक एक कॉपी करके दो फाइल बना के। ओबीसी का आपके पास टोटल कितना सर्टिफिकेट था? ओबीसी का एक मैंने सीओ लेवल का बनाया था, उसके बाद ही एसडीओ लेवल का बनता है। दोनों दोनों लेवल का आपके पास ओबीसी का और रेलवे फॉर्मेट का जो भी था वो भी बना लिया। जी रेलवे, तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हुआ सर्टिफिकेट के लिए? लेकिन हायर क्वालिफिकेशन के लिए आप लोग कितना दिए हायर क्वालिफिकेशन? उस समय मैं इंटर पास था, उसमें इंटर पास ही डाला था और वही दोनों का मूल प्रमाण पत्र बेसिकली देखा गया। मूल प्रमाण पत्र तो मान लीजिए किसी कैंडिडेट का जो सीबीएसई बोर्ड से है लेकिन उनका जो प्रोविजनल नहीं है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन उनके पास सिर्फ मार्कशीट है, तो क्या उनको अलाउ कर दिया जाएगा? जी उसके बारे में मेरे को मालूम नहीं है, मेरे को इस तरह नजर नहीं आया कोई कैंडिडेट। हो गया था नॉन क्रिमिनल आप डाले थे? जी क्या क्रिमिनल डाले थे? जी मेरा गलती से फॉर्म फिलअप करते समय 2019 में ही जहाँ नॉन क्रिमी लेयर होता ओबीसी उस जगह मैंने क्रिमी लेयर फिलअप कर दिया था। तो वही क्रिमी लेयर को लेकर ही आपका प्रॉब्लम हो? हाँ, उसके लिए थोड़ा सा मेरे को डाउट था क्या होगा नहीं होगा, उसके लिए मैंने कोड भी डिबिट करवा लिया था, नोटरी का सिग्नेचर था, 50 रुपये का स्टाम्प पेपर था, उसके साथ पिनअप किया हुआ था वो दे दिया सर। थोड़ा सा बोले कि मजिस्ट्रेट का होता तो बेहतर होता, लेकिन फिर भी चलो कर देते हैं, कर दिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो अभी आपको मेडिकल के लिए कहाँ पर बुलाया गया है? जी मैंने खड़गपुर रिक्वेस्ट किया सर कि सर मेरे को खड़गपुर ही दीजिए, और खड़गपुर ही दिए, वही जा रहा हूँ मैं। तो जो केवल टेंथ डाला था हम लोग अप्लाई करते समय, हाँ, तो अभी कहाँ तक का हायर परमिशन लिया जा रहा है? अभी आपसे पूछा जा रहा है कि आप कहाँ तक पढ़े हुए लिखे हुए हैं, मतलब लास्ट क्वालिफिकेशन जो भी है अभी आप दे सकते हैं, आपसे रिक्वेस्ट मतलब पूछा जा रहा है कि आप कहाँ कौन कौन सा डिग्री किए हुए हैं वो बताइए आप, कि मैंने आईआईटी किया है, उसके बाद बीटेक किया हुआ, जो जो आपके पास है वो दे सकते हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, पीजी किए हैं, वो सब दे सकते हैं। अच्छा, तो ये तो और भी जो भी डीबी हो रहा है, डीबी में सुने कि बहुत ज़्यादा सख्त कर रहे हैं साहब लोग, तो क्या ये बात में सच्चाई है कि डीबी में बहुत सख्ती किया जा रहा है किसी लोग के साथ? जी कोई टेबल पे ऐसा है सर, थोड़ा सा स्ट्रिक्टली चेक कर रहे हैं और बाकी ऐसा नहीं है कोई बात है सर, तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है। हाँ, कॉपरेट अच्छा से कर रहे हैं, अपना डॉक्यूमेंट्स केयरफुली लेकर आइए और यहाँ पर शो करिए, और कोई प्रॉब्लम होने से यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है ड्यूटी के लिए, हाँ, है ना, एक्स्ट्रा टाइम दे दिया जा रहा है कि हम दो तीन दिन में या पाँच दिन में अपना डॉक्यूमेंट्स अपडेट करके हमारे सामने प्रस्तुत की। डॉक्यूमेंट मतलब अगर अधूरा है तो आपको समय दिया जा रहा है? जी जी सर, डॉक्यूमेंट वजह आपको नहीं छाटेगा? नहीं, डॉक्यूमेंट की वजह से छाट नहीं। आपसे एक फॉर्म भरा था डिक्लेरेशन वाला, उसमें आपको डेट दिया टाइम दिया जा रहा था। हाँ, तो किस तरह से आप लोगों को एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरा रहा है जिसमें मान लीजिए कि आपका दिया गया पहले से, जब उसका नोटिफिकेशन आया था उस समय फॉर्मेट था, और जब का रिजल्ट जिस पीडीएफ में दिया गया था उसके नीचे भी डिक्लेरेशन फॉर्म है, वो आप दो कॉपी लीजिएगा, दोनों में सिग्नेचर, वो फिलअप करने के लिए पिता का नाम देता है और अच्छा कम्युनिटी वगैरह, वो फिलअप करके दो फाइल बनाना पड़ता अलग अलग, हर एक में एक एक फोटो स्टेट दे देना है। तो अभी आप जाएंगे मेडिकल के लिए खड़गपुर? जी। और वही कब आपको यहाँ पर रिपोर्ट करना है फिर? आपको खड़गपुर पे 9 बजे रिपोर्ट करने बोला गया है, कल 9 बजे। हाँ, कल 9 बजे मॉर्निंग में खड़गपुर रिपोर्ट करेंगे। जी। और वहाँ से मेडिकल होने के बाद यहाँ पर गार्डन लिस्ट में कब आपको रिपोर्ट करना है? ऐसा कुछ अभी तक बोला तो नहीं गया कि वहाँ मेडिकल के बाद यहाँ फिर आना पड़ेगा, वहाँ से पूछ लेंगे, ऐसा कुछ बोलते हैं तो फिर वो तो अपडेट समय दिया गया है कि आप खड़गपुर जाइए, वहाँ से जो भी है आप मेडिकल करवा लीजिएगा, वहाँ से जो भी डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे आपको वो लाकर यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। एडमिट कार्ड जिनका नहीं उनको क्या करना पड़ेगा, कोई पता, कोई आइडिया आपको? कौन सा एडमिट कार्ड? जैसे कि बोले सीबीटी वाला, सीबीटी या पीईटी कोई भी एक एडमिट कार्ड खो गया है, हाँ, तो क्या करेगा? अगर मान लीजिए कि किसी के पास पीईटी वाला एडमिट कार्ड है लेकिन सीबीटी वाला नहीं, किसी के पास सीबीटी वाला है लेकिन पीईटी वाला नहीं, किसी के पास दोनों खो गया, तो उसके बारे में थोड़ा बताते हैं कि देखिए इस तरह के में सहयोग कर रहे हैं साहब लोग। इस तरह का प्रॉब्लम है तो आप सर से मिलिए, सर उसका सोल्यूशन जरूर करेंगे।
आज देखें जिस प्रकार के किसी का प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्यूशन कोऑपरेट करके सर बता रहे हैं। फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहा है उनको क्या करना पड़ेगा? जिनका फिंगरप्रिंट मैच नहीं करा उनको रोक दिया जा रहा है बीटीबी से फिलहाल। हाँ, चेयरमैन के पास भेजा जा रहा है, फाइल उसके पास चेयरमैन के पास आएंगे उसको वो क्लियर करेंगे वहाँ से अपना, तब फिर आके आगे की कार्रवाई आपका होगा। चेयरमैन अपने से क्लियर कर रहे हैं जी, जिनका किसी भी प्रकार का फिंगरप्रिंट नहीं ले रहा है, पीटी का हो या सीबीटी का, उनका ठीक है। तो आपको आगामी मेडिकल टेस्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप जल्दी एसीआर जो उनकी सेवा बढ़ाए जल्दी नौकरी पाए। जी आपका भी धन्यवाद जो आपने मौका दिया बोलने के लिए, अपने अनुभव शेयर करने के लिए, ठीक है धन्यवाद। तो एक भाई लिख रहे हैं कि यूआर कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी गलती से डाल दिए हैं, तो उनके लिए कहना है कि आप यहाँ पे एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरेंगे और आपको मतलब बताना है कि मैं यूआर से हूँ सर, मुझे यूआर काउंट किया जाए, आपको फॉर्म भराने के बाद आपको यूआर में सीट दे दिया जाएगा। अगर आप उसके लिए आप कोई डेबिट डेबिट ले आइए, आपका वहाँ सुधार देगा, उसके पास आपका सब डेटा रहता है। अच्छा एक चीज पूछ रहे थे कि जैसे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में कई बच्चे ऐसा गलती किया है कि फॉर्म भरते समय आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में सिर्फ एक ही आइडेंटिफिकेशन मार्क्स दिए, हाँ, जबकि दो चाहिए जी। तो इसके रिगार्डिंग में अगर आपको कुछ नॉलेज है तो थोड़ा बताइए कि अगर मान लीजिए कि मैं एक ही दे पाया हूँ आइडेंटिफिकेशन मार्क्स और एक में नहीं दे पाया तो क्या इसमें दिक्कत हो सकती है? जी इसके बारे में मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है, बट मेरे साथ एक दोस्त आया था, उसका एक दिखाने बोला आइडेंटिफिकेशन वो दिखाएं, दूसरा जब दिखाने बोले तो राइट के जगह लेफ्ट हैंड पे था, तो उनका जो फाइल है चेयरमैन के पास भेज दिया गया। तो थोड़ा सा उनको समय दिया जा रहा है इस जगह जी, समय दिया जा रहा है ताकि वो अपना जो भी आइडेंटिफिकेशन मार्क जो गलत भरे थे तो उसको सुधार कर लिया जाए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली जो है बिहेवियर अच्छा रखिएगा, बर्ताव अच्छा रखिएगा साहब के सामने, और सारी चीजें सारी समस्याओं को बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश करिएगा। जब फॉर्म भरते हैं तो बहुत सारी गलतियां हो जाती है, तो नॉर्मली उन गलतियों को सुधारा जा सकता है। और सारा डाटा जो है ना यहाँ गार्डन इज साउथ ईस्टर्न और जीएम के पास आप लोगों का जो है डाटा सारा रहता है, तो किसी भी तरह का डाटा आप लोगों से मिस हो जाए तो वो डाटा को आप चिंता ना करें, वो डाटा यहाँ से मिल जाए। और अपना बर्ताव और रवैया बिल्कुल नरम रखें, ज़्यादा गुस्सा ना हो, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। जो भाई हमारे साथ जुड़े थे अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, और जो भी और भी आप लोगों का जो भी क्वेश्चन रहेगा तो उस क्वेश्चन को हम जरूर आप लोगों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों के पास क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या समस्याएं हुई है या हो रही है अभी, तो ये सारी समस्या आप बताइएगा। और थैंक यू भाई आप हमसे बात किए, धन्यवाद आपका, और बेस्ट ऑफ लक आपके मेडिकल के लिए, और होपफुली भगवान आपको बहुत जल्द मेडिकल में आपका सिलेक्शन हो जाए पहला डिवी में, और आपसे हम लोग सब मिठाई खाएंगे। थैंक यू फॉर धन्यवाद।